Are you doing the experiment? Which one is heavy? Which one is light? This is light. This one is heavy. That's why it's going down. Yeah. This one is heavy? Yes. Why? Going down. That one is light. Yes, very good. This has to go up, then you have to make this heavy. Very, very good, Bunny. Very good. Tap. So what should you write there? Ta. Very good. All a very very happy Makar Sankranti, happy Pongal, happy Bihu, happy Lohri. आज सबको आप सबकी बहुत भारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं. बस हमारी पूजा हो गई है, हमें जैसे आता है हमने वैसे ही थोड़ा थोड़ा कर लिया है. बस खाना पीना बनेगा. मेन तो पूजा का वही होता है कि कुछ खाना पीना, सात्विक खाना पीना बनेगा आज रात को, क्योंकि अभी तो हम दोनों ही हैं बस घर पे, तो क्या ही बनाएंगे. तो रात को सब लोग आएंगे तो डिनर में ही कुछ अच्छा सा बनाएंगे देख के, मतलब उड़ीसा स्टाइल में जैसे भी. तो बस यही है, अभी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे शाम को. So on Makar Sankranti we fly kite, okay? Today is Makar Sankranti, okay? So go out and play with your friends. When Dada will come, then we can go tomorrow to sea beach to fly kite. Go. हनी बनी नहा के आ गए, उन्होंने थोड़ा सा पूजा किया, अभी वो काइट लेके मकर संक्रांति में काइट उड़ाते हैं ना. तो लास्ट ईयर हम लोग लेके आए थे इंडिपेंडेंस डे पे, जब दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे पे फ्लाइट उड़ाते हैं, तो फ्लाइट नहीं काइट उड़ाते हैं ना, तो हम लोग गए थे उधर सी बीच पे, हमने फ्लाई वगैरह किया, उसका ब्लॉग भी बनाया था. एंड उसके बाद हम लोग उस टाइम पे 4 या 6 काइट्स लेके आए थे, तो ये 2 रखी हुई थी. आज तो छुट्टी नहीं है, छुट्टी होता तो हम लोग कहीं पे जाते सी बीच वगैरह पे उड़ाने के लिए, पर आज तो छुट्टी नहीं है जी, तो ऑफिस गए, तो मैंने हनी बनी में यहीं पे पकड़ा दिया. मगर देखो थोड़ा सा यहीं पे उड़ा लो. तो बस अभी मैं खीर बना लूंगी, जो खीर मैं बनाती हूँ ना, जो छेना खीर जो मैं मोस्टली बनाती हूँ, जब से ये छेना खीर बनाना स्टार्ट किया ना, तब उसके बाद तो चावल का खीर बहुत कम बनता है हमारे घर में, तो छेना खीर वो संग्रह माँ को भी बहुत पसंद है. भाभी ने कभी चखा नहीं है मेरे हाथ का, तो आज वो पहली बार खाएंगे.
तो वो मैं बना लूंगी अभी। बाकी का जो खाना है वो मैं फिर शाम को बनाऊंगी, मतलब गरम गरम खाएंगे सब लोग आने के बाद ऑफिस से। बट खीर अभी बना कर रख लूँ ताकि शाम तक ठंडा हो जाएगा। तो चलिए पहले खीर बना देते हैं, फिर बाकी का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं छेना खीर यानी कि पनीर की खीर जो है वो मैं बना लूँगी। हम लोग खीरा बोलते हैं उड़ीसा में। तो टोटल मैंने 3 लीटर मिल्क लिया है, 1.5 लीटर मिल्क का मैं छेना बना लूँगी एंड 1.5 लीटर मिल्क का हम लोग खीर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है, उसको बॉयल होने के बाद इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँ। आप चाहो तो विनेगर भी ऐड कर सकते हो, वो ऐड करके हम लोग इसका जो पनीर है वो हम लोग बना लेंगे। पनीर बनने के बाद मैं उसको अच्छे से छान लूँगी। आप चाहो तो किसी भी क्लॉथ में ऐसे छान सकते हो, या तो मैं ऐसे इंस्टेंटली उसको यूज़ करूँगी तो मैं ऐसे नॉर्मल एक छन्नी के हेल्प से उसको अच्छे से छान लूँगी। एंड हमने नींबू डाल के पनीर बनाया है तो उसको 2-3 बार मैं अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लूँगी ताकि उसका जो खट्टापन है वो चला जाएगा। तो बस ये हमारा पनीर बन के रेडी है। देन हम लोग खीर बना लेंगे। यहाँ पे सेम पैन में मैंने थोड़ा सा बस घी लिया है एंड उसमें मैं 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी एंड इसको कैरमलाइज होने तक छोड़ दूँगी। जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, देन इसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे ताकि खीर का जो कलर है वो हल्का सा जो ब्राउनिश कलर आता है ना, गोल्डनिश कलर, तो वैसा आता है। तो बस ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो इसी स्टेज पे हम लोग यहाँ पे मैं और जो 1.5 लीटर दूध मैंने रखा था ना वो मैं ऐड कर दूँगी। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे वो जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूध निकाल रही हूँ ताकि केसर इसमें ऐड करके जो कलर अच्छा आएगा, इसलिए हम लोग केसर थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड फ्रेगनेंस भी अच्छा आएगा एंड स्वाद भी अच्छा आता है। थोड़ा सा इलायची जो है वो मैं कूट ले रही हूँ। तो बस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, दूध में भी बॉयल आ गया, इसमें जो पनीर हमने बना के रखा था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। देन इसमें हम लोग वो जो सैफ्रन पाउडर है वो सैफ्रन मिल्क जो है वो ऐड कर देंगे एंड जो इलायची का पाउडर है वो ऐड कर देंगे ताकि अच्छा कलर आए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर भी ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है बट अच्छा फ्रेगनेंस आता है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ खीर में। एंड यहाँ पे मीठे में मैं शुगर ऐड नहीं करूँ, मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँ। आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो पर कंडेंस मिल्क से अच्छा सा टेक्सचर आता है। तो उसको हम लोग अभी बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसी में ही धीमी आंच में बॉयल कर करके उसको आधा करना है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेती हूँ, इसमें पानी मतलब घोल बना के स्लरी बना के उसमें ऐड कर देती हूँ ताकि दूध जो होता है वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है एंड क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कम नहीं होती। अगर हम लोग अगर आपके पास टाइम है तो इसको बिल्कुल कड़ के इसको आधा कर लेना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, मतलब गाढ़ा भी हो जाएगा एंड क्वांटिटी जो है वो भी कम नहीं होगी। एंड ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने पिस्ता ऐड किया है। बस इसको थोड़ा टाइम और 10 से 15 मिनट इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। देन ठंडा होने के बाद ये ऐसे ही गाढ़ा हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो ये हमारा जो छेना खीर है वो बन के रेडी है। ऑल प्ले देयर विटामिन डी। और भाभी अपना घोंसला सुखा रही है धूप। सॉरी बाबा इज बैक। इतने दिनों से शैम्पू नहीं किया था, आज किया तो मेरा घोंसला इधर ही सुखाओ वरना फिर साइनस पकड़ लेगा। ए डगो डोंट टच देयर ओके। बाल धो के ना मेरा धूप में बैठो। लॉक हो गया था ना, अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट के रेडी हो गई है। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं बना लूँगी दालमा, उड़ीसा का स्पेशल दालमा। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च का काली मिर्च एंड थोड़ा सा अदरक मैंने कूट के ऐड किए। बस यहाँ पे हल्का सा तड़का लगाने के बाद इसमें सब्जियाँ ऐड कर लेंगे। अब कोई भी सब्जी इसमें यूज़ कर सकते हो करेले को छोड़ के। मैंने यहाँ पे कद्दू एंड मूली, गाजर, आलू यूज़ किया है। तो बस सब्जियों को हल्का सा हम लोग मतलब उस घी के साथ में भून लेंगे एंड नमक, हल्दी, टमाटर एंड लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके उसको हल्का सा भून लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने दाल में तुअर की दाल यूज़ की। आप चाहो तो मूंग की दाल भी यूज़ कर सकते हो। उसमें हम लोग 3 से 4 सीटी लगा देंगे। तो ये बॉयल होकर रेडी हो गया। बस इसमें मैं फाइनल तड़का लगाऊंगी। इसमें भी मैंने घी लिया है, सूखी मिर्च ऐड किया है, इसमें ऐड करेंगे अदरक, देन इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी एंड जो राई है मतलब मस्टर्ड सीड वो एंड हींग खूब सारा। बस इसका हम लोग तड़का लगा देंगे। ऊपर से धनिया पत्ता ऐड करूँगी एंड भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर। बस दालमा बन के रेडी है। एंड यहाँ पे एक पेस्ट मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर एंड
थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब दो चम्मच यहाँ पे करीब मैं राई मतलब मस्टर्ड सीड वो लूँगी एंड एक चम्मच मैं जीरा लूँगी, सूखी मिर्च ऐड करूँगी एंड पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। आज मकर संक्रांति इसलिए मैं इसमें प्याज लहसुन ऐड नहीं करूँ, नहीं तो आप इसमें प्याज लहसुन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर ड्रम स्टिक एंड आलू जो है वो मैंने काट के रखा था तो वो पैन में ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये हल्का सा बॉयल हो जाए। नमक ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर एंड टमाटर भी मैंने ऐड किया था, ये मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी। एंड जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया अगर आप किसी और दिन बना रहे हो तो इसमें आप लहसुन ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको हम लोग करीब 80% इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है एंड मसाला जो है वो इसमें अच्छे से कोट हो गया है। एंड यहाँ पे मैंने तवे पे ऑयल लिया है, उसमें हींग, सूखी मिर्च एंड पंचफोरन ऐड किया एंड ये जो मतलब 70% बॉयल होके रखा था ना उसको हम लोग धीमी आंच में हल्का सा करारा होने तक उसको हम लोग भून लेंगे। तो बस जैसे ही वो करारा हो जाएगा हमारा ये ड्रमस्टिक की आलू की जो भाजी है ये भी बन के रेडी। हल्का सा इसमें मसाले का कोटिंग होता है एंड खाने में बहुत ही स्वाद आता है एंड फट से बन भी जाता है। तो बस ये हमारा जो ड्रमस्टिक आलू की भाजी है बनके रेडी। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर लेंगे। सिमिलर वे में मैं बना लूँगी जो कच्चा केला है वो मैंने काट के रखा था लंबा लंबा, उसी सेम पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, वही जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे एंड हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर वो ऐड करके वो जो कच्चा केला है ऐसे लंबा लंबा पतला पतला काटा था तो उसको भी हल्का सा हम लोग बॉयल कर लेंगे, करीब 50% उसको कुक कर लेंगे। तो ये देखिए ये पानी बिल्कुल कम हो गया एंड ये भी बन के रेडी, मतलब 50% कुक हो गया है। अब चाहो तो सेम पैन में भी तेल डाल के आप उसी में फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, तवे पे ऐसे ही उसको पलट पलट के दोनों साइड ऐसे हल्का सा करारा कर लेंगे तो सारा हम जो कच्चा केला है वो सब लोग पूरा सब मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी एंड ऊपर से यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया ताकि अच्छा स्वाद आए। और तो ये हमारा करारा वाला जो कच्चा बनाना का जो चिप्स है ये भी बन के रेडी है। देन मैं बना लूँगी सिंपल से एक परवल एंड आलू की भाजी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, उसमें सूखी मिर्च ऐड किया है, पंचफोरन ऐड करेंगे एंड बस और कुछ नहीं, इसमें वो जो परवल एंड आलू काट के रखा था वो ऐड कर देंगे। उसमें ऊपर से नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, इसको बिल्कुल भी मैं ढकूंगी नहीं, ऐसे ही मैं धीमी आंच में कुक करूँ ताकि ये बिल्कुल मतलब खिले खिले बने एंड बिल्कुल जो मैश हो जाता ना भुजिया वैसा नहीं होगा, बिल्कुल खिले खिले ही बनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है बट बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए ये जो परवल आलू की भाजी है ये भी बन के रेडी। ऊपर से वही थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है वो हम लोग गार्निश कर देंगे। जो भी आज रेसिपी बन रहा है बहुत जल्दी बन जाता है एंड बहुत सिंपल है बट पता नहीं कैसे ये मतलब ऐसे फेस्टिवल्स में बनता है ना तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो हाँ कोई भी रेसिपी हो साग के बना इनकम्प्लीट है ओडिशा में। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, उसमें मैंने हींग ऐड किया, पंचफोरन ऐड किया एंड सूखी मिर्च ऐड की एंड यहाँ पे मैंने पालक का साग लिया है तो पालक का साग बारीक काट के रखा था वो हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे ही साग थोड़ा सा कम हो जाएगा देन इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे, नहीं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है नमक का। तो बस नमक ऐड कर दें एंड यहाँ पे मैंने मूंग दाल जो है वो बॉयल करके रखा था, थोड़ा सा बस नमक हल्दी डाल के तो उसमें हमने ऐड कर दिया है। बस और कुछ भी नहीं करना है, इसी से ही बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऊपर से बस थोड़ा सा हम लोग देसी घी जो है वो मतलब डाल देंगे ताकि अच्छा सा स्वाद आएगा। तो ये हमारा साग भी बन के रेडी है। सो गाइस सब कुछ बन के रेडी है, बस माया का वेट कर रहे हैं। माया अभी तक आई नहीं है, माया आएगी तो हम लोग क्या हुआ ये क्या है, वो गिर गया। कौन सा गिर गया? दूसरा साइड। अबे ऐसे कैसे गिर गया? ये हमारी मूछे हैं। हैप्पी मकर संक्रांति तो बोल दो सबको। गाइस कैसे हैं आप? विश यू वेरी 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 हैप्पी मकर संक्रांति। पूरे भारत वर्ष में अभी पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, लोहड़ी की धूम मची पड़ी है। तो आज मेरी बीवी ने भी धूम मचा दी खतरनाक तरीके। देखो क्या क्या बना, क्या बात है, खतरनाक भोग लग चुका है भगवान जी को। अब भोग लगेगा हमको।
सारा सात्विक खाना बड़ा जबरदस्त दिख रहा है चावल के ऊपर। सारा सात्विक खाना बिना प्याज लहसुन का एंड क्विक बनने वाला। मैंने 7 बजे स्टार्ट किया और 9 बजे सब खत्म। क्या बात कर रही है। बस खीर मैंने सुबह बना दिया था। देखो मेरी बीवी कितनी ऑनेस्ट है। वैसे ये मैं तेरे लक्षण पहले से जानता था इसलिए मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाई। अर्धांगिनी मैंने स्वीकार किया। सुनो कभी कभी तो बोलते थे मुझे लगता था कि तुझे कुकिंग आएगा नहीं आएगा। नहीं नहीं मुझे पता था तेरे अंदर एक कर गुजरने की क्षमता है तो अगर थोड़ा बहुत सिखाया जाए थोड़ा बहुत तो तू इतना कर देगी। वेरी फैंटास्टिक। चलो बस थोड़ा थोड़ा गरम करते हैं फिर माया आती है तो खाते हैं। चलो लेट्स गो। सब लोगों का बनाना लीफ का यो साइज देखो। माया तो ढूंस के आई है बाहर से तभी। माया बाहर से खा के आई है। माया भाग जाएगा वही मैं बोली तुझे खाना नहीं मिलेगा। कितना बड़ा बड़ा देखो सबसे बड़ा जीत का आप जितना बड़ा भाई इस पे खाने का मजा आ रहा है। ऐसा है कि ये प्लेट के ऊपर बैठ के हम खा सकते हैं। चलो चलो छाड़ो खाई कर ले। सुनो आज ये मकर संक्रांति पछड़े छाड़ छाड़ खाई करो। छोड़ा खाई नहीं है छाड़ो खाई। अच्छा गाइस विश एवरीवन हैप्पी मकर संक्रांति। वेरी 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 हैप्पी मकर संक्रांति। होप यू विल आल्सो मेक इट एंड डीडी। ये चुप पे होस्ट समस्त भोजन के आवे हिंदी में संग्राम ऐसे भोकुआ भरा शक्ल बनाता है सबको लगता है कि हम उसको टॉर्चर करते हैं। वो ऐसे सबको लगता है संग्राम बहुत इनोसेंट है हम उसको टॉर्चर करते हैं। ये जानबूझ के शक्ल बनाता है ब्लॉग में। अभी भी एक मौका है हम नहीं कौन है उसका नाम बता दे। माया घबरा गई चलो हैप्पी मकर संक्रांति हैप्पी पोंगल हैप्पी बिहू हैप्पी लोहड़ी 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 खुशी का नहीं हुआ। बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव। हम लोग खाते बहुत भूख लगी। बता दो कैसा है फिर खाना। सब लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। भोग मंदिर की भोग की क्योंकि बिना प्याज लहसुन का जैसे ही बना दो अच्छा बन जाता है। देखा जाए तो आदमी को बिजली में शाकाहारी ऐसा अच्छा खाना। चलो गाइस बाय 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 सी यू टुमॉरो। एंड साथ में लगा है मूवी पुष्पा। हाँ इसके बाद तो खीर भी है ना। खीर भी है खीरा 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 खीरा। सबसे बेस्ट चीज है कि मैं चारों तरफ से खाऊं तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं नॉर्मली एक तरफ से एक ही आइटम खाता हूँ। मैं चार आइटम खाता हूँ तो चार में मैं टच कर दूंगा। क्योंकि कुछ भी हैवी नहीं है ना सब कुछ लाइट। देखो मजा आ रहा है वो बता रहा हूँ मेरी तारीफ कर रहा था होशियारी मत। ओके दुगु से बाय। हाय।